देखिए दोस्तों, इसमें जो प्लास्टिक का पीवीसी ब्लैंक कार्ड है, इसको थर्मल प्रिंटर में पीवीसी कार्ड प्रिंटिंग मशीन में प्रिंट किया जाता है और इस प्रकार जो प्रिंट होने के बाद आ जाता है। जो मैंने पीवीसी कार्ड जो है प्रिंट किया हुआ है दोस्तों, एक ये जो कार्ड मैंने पीवीसी कार्ड बनाया है, ये मैंने कोई महंगे वाला पीवीसी प्रिंटर नहीं खरीदा, ना ही मैंने कोई थर्मल प्रिंटर में इसकी प्रिंटिंग की है। नॉर्मल इंक जेट से ऐसी प्रिंटिंग ये देख सकते हो आप, इस प्रकार की बहुत बढ़िया क्वालिटी। ये 1 साल पुराना कार्ड है, मतलब थोड़ा आप देखो, मैं अभी आपको एक नया कार्ड भी बनाकर बताऊंगा। इसी वीडियो में पूरा देखते रहे कि कैसे आप पीवीसी कार्ड प्रिंटर के बिना आप इंकजेट नॉर्मल प्रिंटर से भी ऐसा कार्ड कैसे बना सकते हो। उसके लिए कुछ जो भी ज़रूरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसको ध्यान से देखिए। दोस्तों, इस कार्ड को प्रिंट करने के लिए जो भी जरूर वस्तुओं की, जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसको पहले आप ध्यान से देख लें, समझ लें। दोस्तों, असल में ये पीवीसी कार्ड पर प्रिंट नहीं हुआ है, पीवीसी कार्ड पर एक जो स्टिकर सा होता है वो मैंने चिपकाया हुआ है। आपने करना ये है कि जैसे इस तरह के जो कार्ड हैं पीवीसी के, ये बाज़ार में 5 रुपए पर कार्ड मिल जाता है आराम से, वो आपने लेना है। ये देखिए, ठीक है। उसके बाद एक ऑडी कंपनी की या कोई कंपनी कोई भी हो सकती है, आपने ग्लॉसी स्टिकर लेना है। मैं आपको खोल कर बताऊंगा। ये देखिए, इसका ये जो साइड है ये वेस्ट पेपर होता है, ये यहाँ से निकल जाएगा और दूसरी साइड जैसे फोटो पेपर आपका होता रहता है उसी तरह के ग्लॉसी, मतलब शाइनिंग, जैसे आपका ग्लॉसी पेपर होता है शाइनिंग वाला फोटो पेपर होता है उसी प्रकार रहेगा। आप प्रिंटिंग के बाद, और ये इंकजेट में प्रिंट हो जाता है, आप यहाँ से देख सकते हो कि जैसे ये देखिए इस प्रकार ये उतर जाएगा बाद में, लेकिन पहले नहीं उतारना है आपने, पहले उसमें प्रिंटिंग करनी है। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो चाहिए आपको, वो चीज़ ज़रूरी है ये वाली डाई, डाई कटर। दोस्तों, ये डाई कटर रहता है या इससे ये पीवीसी कार्ड के साइज़ का जो हम स्टिकर वो कट करेंगे, ठीक है। पूरा डेमो आपको बताया जाएगा, मैं तो पहले यही बता रहा था कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहती हैं चाहिए। और ये कार्ड, ये पेपर को आप कैंची से भी, सीज़र से भी काट सकते हैं, लेकिन वो फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं आती जो इस डाई से आती है, ठीक है। बस इतनी चीज़ों से आप बहुत अच्छा पीवीसी कार्ड, चाहे वो आई कार्ड बनाना हो, किसी का आधार कार्ड प्रिंट करना हो, पैन कार्ड प्रिंट करना हो, सारे काम आप उसी से कर सकते हो। आपको 40-50 हज़ार का थर्मल प्रिंटर खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं कि कैसे ये प्रोसेस को हम अंजाम देंगे। हेलो दोस्तों, सबसे पहले हम आधार कार्ड जिसको पीवीसी कार्ड में प्रिंट करना है उसको एमएस वर्ड में ओपन कर लेंगे। जी, मैंने 2 कॉपीज़ इसलिए बनाई, आपको अभी पता चल जाएगा इसको क्रॉप करने के लिए। ये देखिए, एक वाले की हम इधर वाली साइड रख लेंगे और दूसरे वाले की दूसरी साइड रख लेंगे। बहुत ही सिंपल है, कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, एमएस वर्ड में ही हम इसको बना सकते हैं, पीवीसी कार्ड प्रिंट कर सकते हैं। और दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मैं इस तरह की प्रिंटिंग की और भी नई वीडियोस या टेक्नोलॉजी की नई वीडियोस डालता रहूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये जो आप साइड में बॉर्डर देख रहे हो, ये पीवीसी कार्ड में अच्छा नहीं लगेगा, इसको रिमूव करना है। आप ध्यान से देख सकते हो, मैंने जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला बॉर्डर है जो आपने रिमूव कर देना है। सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए मैंने अपना मास्क, आधार कार्ड जो होता है उसको डाउनलोड किया हुआ है। और दोस्तों, ये देखिए, बॉर्डर को जो है ऐसे हटा देना है, क्रॉप कर देना है। और उसके बाद दोस्तों, मैं साइज़ जो रखूँगा वो बहुत मेन बात है, साइज़ पर आप ध्यान रखना है। पीवीसी कार्ड का जो साइज़ रहता है उससे थोड़ा 1 mm या 2 mm छोटा हो सकता है, बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जो डेटा है वो
कट हो जाएगा, प्रिंटिंग में कार्ड पे आएगा नहीं। ये देखिए दोस्तों, मैं साइज़ जो है सेट कर रहा हूँ, हाइट जो है इसकी 5.4 रख दो, क्योंकि 5.5 का कार्ड होता है विथ हाइट, सॉरी, और विथ इसकी आप देख सकते हैं। इस प्रकार दोनों पिक्चर्स को आपने सेट कर लेना है, फ्रंट और बैक को इकट्ठा ही प्रिंट निकाल लेना है A4 साइज पे स्टिकर पे। प्रिंटिंग के लिए हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो तैयार है। अब हमने जो मैंने शुरू में बताया था ग्लॉसी A4 स्टिकर पेपर, उसको प्रिंटर में अपने जो भी आपका इंकजेट प्रिंटर है उसमें डाल देना है और प्रिंटिंग की कमांड जहाँ से आपने दे देनी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। पेपर का जो क्वालिटी है दोस्तों वो फ़ोटो पेपर चूज़ करना है। अपने अपने प्रिंटर में अलग अलग सेटिंग्स होती है, आपको पता होगा। नॉर्मल पेपर पे अच्छी क्वालिटी का प्रिंट नहीं निकलेगा, इसलिए बोल रहा हूँ। और देखिए जहाँ पर प्रिंट निकलने जा रहा है, अभी ग्लॉसी स्टिकर पेपर पर प्रिंट जो है वो निकल कर आ जाएगा। ये देखिए हमारा प्रिंट जो है निकल रहा है। अब डाई कटर के साथ हम इसको पीवीसी कार्ड के साइज़ का काट लेंगे। सबसे पहले डाई कटर में डालने के लिए इसको थोड़ा कट करेंगे। एक तरह का ये आधार कार्ड का हमारे पास स्टिकर आ गया है। अब डाई कटर के साथ काटने का ये फ़ायदा है, इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है दोस्तों। आप सीज़र से कैंची से भी काट सकते हैं, लेकिन वो फिनिशिंग मतलब कभी आ ही नहीं सकती। ये देखिए एक तो टाइम बचता है, अगर आप बल्क में आईडी कार्ड का काम कर रहे हो और आपके पास आधार कार्ड का काम बहुत आता है तो आपका इससे टाइम बच जाता है। और वैसे भी फिनिशिंग की बात करें तो फिनिशिंग भी नहीं आती। दोनों बैक साइड और फ्रंट को आपने काट लेना है। और दोस्तों अब इसको आई कार्ड पर कैसे पेस्ट करना है वो थोड़ा देखने वाली बात है, वो भी एक ट्रिक होता है, वो आप ध्यान से देखिए। जी हमने स्टिकर जो है वो काट लिए हैं और ये ब्लैंक पीवीसी कार्ड है। अब देखिए इसको स्टिकर को जो वेस्ट पेपर है वो पूरा नहीं निकालना दोस्तों, मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, वो स्टिकर को पूरा नहीं निकालना है। आप देखिए वीडियो में इस प्रकार इसको यहाँ से मोड़ लेना है, थोड़ा सा काट उतारना है और मोड़ लेना है। हाँ ऐसे आप अपनी उंगलियों से देख सकते हो, पूरा बैठे, ठीक ठीक बैठे, पूरा पूरा ऊपर आए। फिर जब पूरा आ जाएगा जहाँ से आपने स्टिकर को रिमूव किया है वहाँ से इसको चिपका देना है और फिर बाकी सारा भी चिपका देना है। इस प्रकार आपका बहुत 100% एक्यूरेसी के साथ वो पीवीसी कार्ड पर बैठेगा। दूसरा भी है इसी प्रकार करना है। और दूसरा करते वक्त दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है कि वो सीधा आए उस पर। कई बार स्टिकर जो है उल्टा जुड़ जाता है, वो आपका फिर कार्ड ख़राब हो जाएगा। लीजिए दोस्तों इसी प्रकार आपका पीवीसी कार्ड बिना थर्मल प्रिंटर के तैयार हो गया है। आप इसको कोल्ड लेमिनेशन भी कर सकते हो, वो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। ये देखिए पीवीसी कार्ड जो बिना थर्मल प्रिंटर के, बिना पीवीसी कार्ड प्रिंटर के हमने इंकजेट प्रिंटर से प्रिंट निकाल लिया। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।